वेलकम टू माय किचन। हम लेंगे 3/4 कप चीनी, 3/4 कप मिल्क पाउडर, 3/4 कप टाइनी पेस्ट। जितनी चीनी लेंगे उतना ही मिल्क पाउडर लेंगे और उतनी ही टाइनी पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये मैं बाज़ार की रेडीमेड टाइनी पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ और तीनों बराबर क्वांटिटी के हैं, तीनों ही 3/4 कप लिए हैं मैंने। सबसे पहले हम पैन लेंगे, मैं गैस ऑन कर देती हूँ इलेक्ट्रिक स्टोव की। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी और चीनी को हमें पिघला लेना है, मेल्ट करना है। अगर आप चीनी को मेल्ट नहीं करेंगे तो दानेदार चीनी है तो मुंह में दानेदार लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेगी ये, इसीलिए हम चीनी को पहले मेल्ट कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे मेल्ट कर लें और पाउडर का स्पून यूज़ करें, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। चीनी देखें थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही है, जैसे ही पूरी चीनी मेल्ट हो जाएगी फ़ौरन से हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे और गैस को बंद करेंगे। बाद में बस हमें पहले चीज़ें मिक्स करनी है उसमें। तो ये मेल्ट हो गई चीनी, इसमें अब मिल्क पाउडर डालें, पहले अच्छे से मिला लें, मिक्स कर लें सारी चीज़ों को, मिल्क पाउडर को और चीनी को मिक्स कर लें। चीनी गीली है तो आराम से मेल्ट हो जाएगी, तो मैंने इसे गरम मिक्स कर लिया है, ये देखें। अब हम इसमें ये टाइनी पेस्ट डालेंगे 3/4 कप, मतलब आधा कप और 1/4 कप। तो ये मैंने आधा कप डाल दिया और अब हम इसमें 1/4 कप और डालेंगे, मतलब 3/4 कप टाइनी पेस्ट डाल दी हमने इसमें। और अब हम इसे एक मिनट लो गैस पे पकाएंगे, सिर्फ एक मिनट के लिए पकाएं लो गैस पे, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और सारी चीज़ें आपस में चूरन बन जाएगा। तो ये देखें हमारा टाइनी पेस्ट का चूरन तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ताचियो, तो मैं पिस्ता काट लेती हूँ जब तक ये ठंडा होता है। ये ठंडा हो गया, अब हम इसमें ये पिस्ते डाल देंगे चॉप किए हुए और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आपस में, पिस्ता और चूरन को मिक्स कर लें। और अब हम इसे डब्बे में डाल के रखेंगे और एक महीने तक आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, एक महीना आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चूरन को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।